फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीवो अपने होम मार्केट चाइना में वीवो वाई सीरीज की तरफ से एक नई स्मार्टफोन लॉन्च की है जो कि दोस्तों वीवो Y75s 5G स्मार्टफोन है और जिसमें दोस्तों 12GB का रैम, 64MP का प्राइमरी कैमरा, 5000mAh का बैटरी और डायमेंसिटी 700 का पावरफुल चिपसेट दिया गया है। तो गाइस मैं हूँ आशीष क्रिकेटा AK9 टेक्निकल से और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आई चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस स्मार्टफोन की प्राइस क्या होगी, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इस स्मार्टफोन को इंडिया में कब तक लाया जाएगा, इस स्मार्टफोन को हमें बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो गाइस अगर इस फोन की डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 6.58 इंच का फुल HD+ LCD डिस्प्ले पैनल दिया गया है जिसका रिफ्रेश रेट 1600 का है और यहाँ पे दोस्तों 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 401 PPI का पिक्सल डेंसिटी, 16.7M का कलर और यहाँ पे 1500:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है। यहाँ पर इस स्मार्टफोन में कलर एंड ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाएगी। अगर इस फोन की सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है जो कि ओरिजिन OS ओशन स्क्रीन पे रन करता है और प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे 2.2 GHz क्लॉक स्पीड वाला ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का चिपसेट दिया गया है। तो यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहेगा। यहाँ पे दोस्तों माली G57 का GPU भी आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे दोस्तों 4GB का वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहेगा। कैमरा डिपार्टमेंट की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बैक साइड में आपको ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप देखने जाता है जिसमें दोस्तों 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का वाइड एंगल कैमरा और 2MP का यहाँ पे माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है और फ्रंट साइड में दोस्तों सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का कैमरा दिया गया है। बैटरी और कनेक्टिविटी की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे पावर बैकअप के लिए 5000mAh का बैटरी और 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इस स्मार्टफोन को नॉर्मल यूज करते हैं तो 2 से 3 दिन तक आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों इस स्मार्टफोन में डुअल सिम का सपोर्ट दिया गया है जिसमें दोस्तों 4G और 5G सपोर्ट दोनों मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल जाता है। प्राइस की अगर बात करें दोस्तों तो ये स्मार्टफोन चाइना में 2 वेरिएंट में पेश किया गया है जिसमें दोस्तों बेस वेरिएंट 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है और इसकी प्राइस लगभग 21,700 रुपये के आसपास में आपको देखने को मिलेगी और वहीं पर दोस्तों इस स्मार्टफोन की सेकेंड वेरियंट जो कि 12GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है और इसकी प्राइस लगभग 25,000 रुपये के आसपास में आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस आपको इस स्मार्टफोन की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इसके बारे में दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ, आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।